तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। और आज का दिन है हरेले का त्यौहार का, और आज हम लोग कर रहे हैं कुछ नया। जैसा कि आपको पता ही होगा, हरेले का त्यौहार बनाया जाता है ग्रीनरी के लिए, कि हमारे द्वारा जो भी फसलें लगती हैं सब भगवान को आज चढ़ती हैं एक एक। तो उसी के अकॉर्डिंग पुराने ही जो परंपरा चली आ रही है कि इस दिन हम लोग कुछ ना कुछ पेड़ों की कटिंगें लगाते थे पहले से, जिससे कि हरियाली और पर्यावरण में बैलेंस बना रहे, ऑक्सीजन सब लेवल संतुलित होने का। तो इसी के रिगार्डिंग आज यार गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं अपनी गौशाला पे वृक्षारोपण करने। और लास्ट ईयर भी हमने किया था कैंसर हॉस्पिटल पे वृक्षारोपण, और हम उन पेड़ों को हमेशा ही देखते रहते हैं, तो वो पेड़ अच्छे लहलहान हो गए, कभी आपको बाद में वीडियो में दिखाएंगे। तो आज मेरे साथ ये है नीरज छोटा बेबी, और एक सचिन भाई हैं, और हम लोग अभी जा रहे हैं। हमने गाड़ी में औजार औजार रख लिए सभी, जो भी उपयुक्त उसमें उपयोग में आएंगे खोदने के लिए। तो देखिए आगे के व्लॉग में। और गाइस थोड़ी सी एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, जो अभी हमने कुछ दिनों पहले जो पानी के बाउल हमने रखे थे जगह जगह पे, उनमें हमने नाम नहीं रखा था लिखा था, और काफ़ी लोगों ने जो रखे कुछ रखे और नाम उन्होंने लिख के दिखाए, और क्वांटिटी भी बहुत सारी दिखाई। तो अब हम लोग सोचें आज अभी हमें कुछ बाउल्स और रखने हैं, तो उनमें हम लोग नाम लिख लेंगे अगर पॉसिबल हो पाएगा, अगर टाइम मिल गया तो। सोचा है कि ऐसा नाम लिख के ही रखेंगे इस बार। तो गाइस बने रहिएगा ब्लॉग में आगे तक का, और देते रहिए अपना हमें बहुत सारा प्यार, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके इसी ही सब्सक्राइब और शेयर से ही हमारा विश्वास बढ़ेगा, और बने रहिएगा तब तक का ब्लॉग में। तो गाइस सचिन भाई भी हमारे पास हमारे साथ आ चुके हैं, और नीरज भी है, फर्स्ट टाइम नीरज हमारे साथ ब्लॉग में आ रहा है, और ये भी हमारे ब्लॉग देखते रहता है। आज हमने सोचा इसको भी वृक्षारोपण में ले चलते हैं, और सचिन भाई तो हमारे कोषाध्यक्ष ही हैं, तो ये हमारे संग रहेंगे। अभी हम लोग गाइस पहुंच गए हैं, देखिए आप चंबल पुल के सामने लालडाट, और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं पहले नर्सरी की तरफ को। हमें जाना है काठधाम, काठधाम से हमारा एक दोस्त है सुशील, उसकी नर्सरी है शर्मा नर्सरी, तो उसकी तरफ को जाएंगे। 4 किलोमीटर है अभी तो दिख रहा है, और गाइस टाइम हो गया अभी 1:05, और नहर में काम चल रहा है, गैस की पाइपलाइन डल रही है उसका। और ये रास्ता हमारा, देखिए मौसम कितना साफ है, आसमान खुला हुआ है पूरा, बेहतरीन नज़ारे दिख रहे हैं। हो सकता है कि इसके बाद फिर शाम को हम लोग जाएं भीमताल की तरफ को भुट्टे खाने। बने रहिए व्लॉग में, देखते हैं क्या क्या हो पाएगा आज, तो पूरा व्लॉग में साथ बने रहिएगा। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अभी सुशील भाई की नर्सरी में, और सुशील ने कुछ प्लांट गाड़ी में रख दिए हैं, तो हिसाब लगा ले सुशील यहाँ पे ना, मैं आ रहा हूँ। और बकाया अभी हमने जो प्लांट रखवाए हैं वो हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, रेड लोटस लगा हुआ है, और जो हमने प्लांट रखवाए हैं अभी एक्चुअली लगवाए हमने साइड से, जो बॉर्डर बनेंगी हमारी गौशाला में, तो इस यहाँ से ये हमने 30 फाइकस लगवा दिए हैं याले, और कुछ ये लगवाई है जो सामने गुड़हल है फूल के लिए। बकाया भी देखेंगे क्योंकि 30 पेड़ भी अभी काफ़ी हैं, इसके बाद जब हो जाएगा सब काम धाम तब देखा जाएगा। तो गाइस अब पेड़ लगा लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो में, आज प्लांटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें, और हमें सपोर्ट भी करते रहिएगा। गाड़ियाँ पीछे पेड़ दिख रहे हैं आप लोगों को, ये ग्रीन फाइकस हमने रख लिया है। गाइस ये देखिए हमारा हाईवे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर यहाँ पे आती बड़ी मस्त गाड़ी भागती है, मक्खन बिल्कुल, बहुत ही प्यारी, और व्यू तो बहुत ही अल्टीमेट है। बारिश होने से मौसम बिल्कुल साफ हो गया, आसमान बिल्कुल भी धुआं नहीं है। आस लगे यहाँ पे आके, ये हमारे, अब हम लोग इस साइड से सोच रहे हैं कि यहाँ से पेड़ लगा दें जहाँ तक लग पाते हैं। ले ऐसे जा, ऑन कर दिया।
वीडियो बना रहा है तो बना ले आगे की पेड़ की बना ले फिर आगे की भी। तू एक काम कर, ये बाल्टी से एक एक जग पानी निकाल, उठा पानी, उठा एक एक जग उठा, इसमें डाल दे आगे वालों में जिनमें नहीं डाला है। जा तेरी वीडियो बनाता हूँ जा। और ये नीरज पानी दे रहा है पेड़ों में, सभी पेड़ों में दिया है, पूरा पूरा दे देना सब में। तो गाइस ये ना साइड से हमने पूरा प्लांटेशन कर दिया है, हाथ पांव धो के हम रेडी हो गए अब पूरा, और ये आगे तक का उधर पहुंचा दिया है प्लांटेशन, जिससे कि ये जब बड़े हो जाएंगे तो अच्छे रहेंगे। ये सब प्लांट्स और कुछ एक दो फ्लावर के भी लगा दिए गुड़हल के, ऐसे दो जिनसे पूजा पाठ के लिए फूल हो जाएंगे। तो गाइस हम लोग तैयार हो गए हैं, सब लोग काम वाम से निपट के फाइनल, तो हम लोग घर पे जा रहे हैं और पसीने से हम लोग पूरा कपड़े हमारे भीग गए हैं। तो सचिन ने तो टी शर्ट उतार भी दी है और थोड़ा सा छोटू ने ही पानी वानी डाला था हमारे संग, मेहनत करी थी और अब बहुत अच्छा हो जाएगा। काश आज शाम को बारिश हो जाए तो बस हमारा ये पोर्शन पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। ये हमारा ऑफिस वाला पोर्शन है, ज्योतिर्मठ गौ सेवा न्यास के ऑफिस का पोर्शन और गैस का और हमारी पार्किंग प्रोग्राम्स के लिए इसी जगह में की जाएगी। और धीमे धीमे आपको दिखाते रहेंगे कि प्रोग्राम इसमें क्या क्या होते रहता है। ये हमारे गेट के लिए छोड़ा हुआ है और हम निकलते हैं। और एक चीज़, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, ये हमारा लोगो है और ये हमारी गाड़ी है। ज्योतिर्मठ गौ सेवा न्यास को जाने वाले रास्ते में जो फूल चौड़ से मोटा हल्दू का रास्ता है उसका ये जंगल है, बहुत ही अल्टीमेट जंगल है। ये देखिए कितना हरा भरा है, पर लोग इसका भी गलत यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये लोग अपने गाय बछड़ों को छोड़ जाते हैं और मरी हुई गायों को यहाँ पे ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं, दबाते भी नहीं हैं। ये उसी रास्ते में है, बज गए हैं शाम के 4:30 और 5-10 मिनट में हम लोग घर पहुँच जाएंगे, आपको दिखाते हैं। घर पहुँचने के बाद वीडियो को एंड भी करेंगे आज की, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं, कुछ चाय के साथ वीडियो को एंड करेंगे।